राजीव कपूर की डेथ पर रिएक्शन आया है। उनकी फिल्म की एक्ट्रेस, वो एक्ट्रेस जो रहती तो सीमा पार है लेकिन इंडिया में भी उनकी ज़बरदस्त फैन फॉलोइंग है, हिना फिल्म की एक्ट्रेस ज़ेबा बख्तियार ने राजीव की डेथ पर दुख जताया है। एक लीडिंग न्यूज़ पोर्टल से बात करते हुए ज़ेबा बख्तियार ने राजीव के साथ बिताए कुछ पलों की बात की है। आपको बता दें कि हिना फिल्म, जिसमें ज़ेबा ऋषि कपूर की एक्ट्रेस के रूप में काम कर रही थी, इस फिल्म को प्रोड्यूस राजीव कपूर ने किया था। वैसे तो राज कपूर इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे थे लेकिन बीच में ही उनकी डेथ हो गई थी, जिसके बाद राजीव फिल्म के प्रोड्यूसर बने और रणधीर कपूर ने फिल्म को डायरेक्ट किया। ज़ेबा बख्तियार को इस फिल्म के बाद बहुत पसंद किया गया था। फिल्म की कहानी और गाना लोगों को खूब पसंद आया था। ज़ेबा बख्तियार ने कहा कि मैं उनके अचानक गुजर जाने से बहुत दुखी हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या कहूँ। हाँ, मैं रणधीर कपूर के टच में जरूर हूँ, जो कि बीते कुछ सालों से बहुत कुछ झेल रहे हैं। रणधीर यानी कि करीना और करिश्मा के पिता। रणधीर ने अपनी मॉम को खोया और पिछले एक साल में उन्होंने अपने दो भाइयों को खो दिया। जाहिर सी बात है, लास्ट ईयर ऋषि कपूर साहब ने इस दुनिया को अलविदा कहा और अब राजीव कपूर ने। उन्होंने कहा कि मैं डायरेक्टली तो राजीव के टच में नहीं थी लेकिन हमेशा डब्बू यानी कि रणधीर कपूर से बात होती थी तो वो राजीव के बारे में बताते थे कि वो भी ठीक है। हिना फिल्म की शूटिंग के टाइम को याद करते हुए ज़ेबा कहती है कि राजीव को सेट पर सब चिंपू कहकर बुलाते थे। जाहिर सी बात है, रणधीर कपूर को डब्बू, ऋषि कपूर को चिंटू और राजीव कपूर को चिंपू कहा जाता था। वो कमाल के इंसान थे, स्वीट थे और दयालु थे। हमने हिना के प्रोडक्शन के टाइम बहुत सारा वक्त साथ में बिताया और हमारे पास कमाल की यादें हैं। ज़ेबा कहती है कि कपूर फैमिली के बाकी मेंबर्स की तरह राजीव का भी सेंस ऑफ ह्यूमर कमाल का था। कपूर फैमिली के सबसे छोटे बेटे राजीव कपूर की डेथ हो गई थी हार्ट अटैक से। 58 इयर्स के वो थे। हॉस्पिटल उन्हें टाइमली ले जाया गया लेकिन तब तक उनकी डेथ हो चुकी थी।